अगर so so, आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एस डब्ल्यू एन टी ताकि आप वहां से ये नोट जो है वो ले पाए राइट्स गाइज सो विदाउट एनी फर्द डिले लेट्स दिस वीडियो सो नाउ गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी देखिए अब जो भी टॉपिक थे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत ठीक है उसमें ये लास्ट वाला टॉपिक है जो रह गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो हमें डिस्कस करना है इसके बाद आपका जो इससे रिलेटेड यूनिट है वो खत्म हो जाएगी देन सेल ऑफ गुड एक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी ठीक है तो हम इन टॉपिक्स को देखते हैं

तो मतलब मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं जा नहीं सकती इसलिए मैंने किसी को हायर कर रखा है और वो मेरे यहाँ पे ये सारे काम करेगा जो मैंने अथॉरिटी में उसको दिए हैं ठीक है जिसकी अथॉरिटी जिसकी परमिशन मैंने दी है वो मेरे वैसे काम कर रहा है और मुझे वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो वही होता है कि एजेंट्स मतलब कि मैंने पर्सन इंप्लॉयज है पर्सन जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को इम्प्लॉय करता है कि वो कोई एक्ट करे उसके लिए या फिर उसको रिप्रेजेंट करे जब वो थर्ड पार्टी से डील कर रहा है तब इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आप बचपन में भी करते होगे कि अपनी जगह अपने भाई को भेज देते होगे और कहते होगे गए अपने फ्रेंड से कि मेरे भाई से तुम बातचीत कर लेना वो उससे डीलिंग कर लो अगर वो तैयार हो जाता है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लाइक हम लोग फ़ोन पे बात करेंगे खेलेंगे कुछ भी आप जो बचपन में अपने बिहाफ पे किसी और को भेज के अपनी सेटिंग करा देते थे ठीक है वो भी क्या है आपका वो जो जिस पर्सन को आपने भेजा वो एजेंट हो गया आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है वो हो गया एजेंट तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत आप दूसरे पर्सन को इंप्लॉय करते हो उसको परमिशन देते हो कि आप मेरे बिहाफ पे एक्ट करो आप मेरे बिहाफ पे मुझे रिप्रेजेंट करो जब आप थर्ड पार्टी से डील करो जिससे मुझे डील करना था तो वो so मतलब हो था, हो था, होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी द पर्सन हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल मतलब जिसको पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होता है दूसरा पर्सन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो होता है प्रिंसिपल ठीक है जैसे मेरे बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है मेरे मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है तो मैं क्या हूं प्रिंसिपल हूं और जो रिप्रेजेंटेटिव मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको मैंने इंप्लॉय किया है मेरे बिहाफ पे काम करने के लिए वो हो गया एजेंट ठीक है तो ये क्लियर हो गया द ड्यूटी ऑफ एजेंट इज टू एंटर इन टू लीगल रिलेशनशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल विद द थर्ड पार्टी भाई काम क्या है आपका कि आपको मेरे बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट करना है लीगल रिलेशनशिप्स में क्या करना है एंटर करना है ठीक है बट बाय डूइंग सो ही पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट he इनकर एनी लाइबिलिटी अंडर द contract अब ये समझ लो यहां पे कि मान लो कि आप ये कहो कि मेरे बिहार पे उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ठीक है लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो जो पर्सन है ठीक है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाए मतलब कि जो थर्ड पार्टी है वो यही मानेगी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ ही किया है भले ही एजेंट उसके मेरे बिहाफ पे जाके वो डील विल करके आया साइन करके आया लेकिन थर्ड पार्टी कल को कुछ गलत हो जाएगा तो एजेंट का गला नहीं पकड़ेगा वो मेरा गला पकड़ेगा क्यों क्योंकि उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है एजेंट तो बस मुझे रिप्रेजेंट कर रहा था क्योंकि मैं वहां नहीं जा पाई या कोई भी कारण था जिसकी वजह से मैं वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा था मेरे बिहाफ पे चीजें कर करता मेरे बिहाफ पे कर रहा है वो अपने बिहाफ पे नहीं कर रहा है तो वो जिम्मेदार नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना ही उस पर कोई लाइबिलिटी आएगी कॉन्ट्रैक्ट के तहत मान लो कल को कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस चीज के लिए उस चीज के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल होंगी थर्ड पार्टी को

ठीक है मेरे बिहाफ पे साइन वाइन कर दो तो जितनी अथॉरिटी मैंने दी है उसके तहत अगर एजेंट कोई भी काम करता है कोई भी एक्ट करता है तो उसके लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी क्योंकि मैंने उसको वो पावर दी है कल को कुछ गलत होगा उस एक्ट के तहत उस अथॉरिटी के तहत अगर कुछ भी गलत होगा तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट ठीक है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको नेक्स्ट आता है कि एसेंशियल फीचर्स क्या है एजेंसी के अगर हम फीचर्स की बात करें तो देखो भाई प्रिंसिपल होता है आपको पता है हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया कि प्रिंसिपल कौन है वो पर्सन जिसको थर्ड पार्टी के सामने एजेंट क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है एजेंट कौन है जिसको आपने इंप्लाय किया है कि वो आपको रिप्रेजेंट करे जब थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा हो ठीक है एग्रीमेंट क्या है एग्रीमेंट वही है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट uh, है बेसिकली तो जिसके तहत आपने सहमति Uh, दिखाई है ठीक है कोई भी एग्रीमेंट हो सकती है जिसके बातचीत के जिसमें आपने म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कंसर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो ठीक है तो एग्रीमेंट मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को क्या चाहिए होता है म्यूचुअल कंसर्ट चाहिए होती है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में तो दोनों पार्टी को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है एजेंसी रिलेशनशिप के उसके लिए क्या होना पड़ता है एग्री करना पड़ता है और अथॉरिटी कौन सी देनी है आपको एजेंट को उसके तहत भी आप एग्रीमेंट करते हो एजेंट के साथ ठीक है इंस्ट्रक्शन देते हो और पावर देते हो लिमिटेशन देते हो आप एजेंट को तो वो क्या है बेसिकली आपकी एग्रीमेंट है मतलब एग्रीमेंट किसके बीच है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जिसमें एजेंट को प्रिंसिपल क्या करता है टर्म्स एंड कंडीशन बताता है कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को मेरे बिहाफ पे करना है क्या आपके पास अथॉरिटी क्या आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो एग्रीमेंट आपके एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी में होता है ठीक है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में नेक्स्ट इज कंसिड्रेशन देखो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है मतलब आप जैसे बाकी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था कंसिड्रेशन मतलब कि म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए भाई दो पार्टी अगर एक दूसरे के लिए आ, काम कर रहे हैं ठीक है तो दोनों लोग आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे के फायदे के लिए कर रहे हैं मतलब मेरा भी कोई फायदा आपका भी कोई फायदा हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं बट एजेंसी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो।, हो भी सकता है कि भाई आप में एक्सचेंज हो रहा हो समथिंग ऑफ वैल्यू दोनों पार्टीज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है लाइक like, प्रिंसिपल uh, को वो काम पूरा होते हुए एजेंट के थ्रू मिल रहा है और एजेंट को कमीशन मिल रहा है और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा मिचुअल uh, एक्सचेंज नहीं होता है देन टू आपका एजेंट जो है वो आपके बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपको पहले आप उसको कुछ नहीं दे रहे तो दोनों केस हो सकता है नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी अगर हम रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी की बात करें तो एजेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के तरह एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे मतलब वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली क्या है कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के सामने ठीक है जो भी एक्शन लेगा वो जो भी ऑब्लिगेशन पूरी करेगा जो भी ड्यूटीज पूरी करेगा एजेंट वो उसी के तहत होगी जो अथॉरिटी उसको प्रिंसिपल ने दी हुई है ठीक है और अपनी कैपेसिटी के बाहर नहीं करेगा मतलब जो जिस जिस चीज़ की आपने मतलब मतलब प्रिंसिपल ने परमिशन दे दी कि भाई तुम्हें इतना ही इतना करना इतनी ही अथॉरिटी है तो तुम्हारे पास ये राइट नहीं है कि तुम जाके कोई फाइनेंशियल डीलिंग करो वो तुम्हें राइट नहीं है तो भाई वो चीज़ वो नहीं करेगा वो उतना ही रिप्रेजेंटेशन की कैपेसिटी रखता है प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने की जितनी उसको मिली हुई है प्रिंसिपल के थ्रू ठीक है गुड फेथ का मतलब देखो क्या है कि दोनों एजेंट और प्रिंसिपल ठीक है भाई गुड फेथ में ही रहने चाहिए एक दूसरे के टू ऑनेस्टी के साथ वर्क करना है ना वो उसको धोखा देगा ना वो उसको धोखा देगा तो मतलब कि दोनों प्रिंसिपल और एजेंट जो है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो एक गुड फेथ में एक्ट करेंगे ऑनेस्टी के साथ डील करेंगे एक दूसरे के साथ भी ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे बाकी थर्ड पार्टी के साथ भी कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे तो गुड फेथ के साथ वो क्या करेंगे वर्क कर रहे होंगे नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटेंस ऑफ प्रिंसिपल कॉम्पिटेंस ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या है कि जो भी आपका प्रिंसिपल है भाई वो सामर्थ्य होना चाहिए एजेंसी uh, के कॉन्ट्रैक्ट के तहत मतलब कि uh, मान लो अगर प्रिंसिपल जो है ठीक है जो मेन पर्सन है जो आपको अथॉरिटी दे रहा है एजेंट को कि आपको मुझे रिप्रेजेंट करना है ये वो तो अब मान लो अगर जो प्रिंसिपल है वो कॉम्पिटेंट नहीं है मतलब कि उसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो किसी और को ये परमिशन दे ठीक है कि आप मुझे रिप्रेजेंट करो या फिर मान लो वो मेंटली फिट नहीं है ठीक है तो या फिर लीगली उसके पास कैपेसिटी नहीं है लीगली वो लाइबल नहीं है ठीक है तो फिर उस

अपना काम जो है वो एजेंट को दे पाए मान लो उसके पास इतनी अथॉरिटी थी नहीं देन टू वो किसी और का काम किसी और को दिए जा रहा है तो वो चीज फिर आपका वेलिड नहीं होगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा मोड्स एंड मैथड और, और क्रिएशन ऑफ एजेंसी देखो किस किस तरीके से आप एजेंसी जो है वो क्रिएट कर सकते हो ठीक है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे एंड देन हम वाइंड अप करेंगे तो पहला है एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट देखो एक्सप्रेस वर्ड तो आप बहुत सुनते आए हो अभी तक पूरे कॉन्ट्रैक्ट 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 में एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू मतलब मतलब कि एक ऐसा एक ऐसा ऐसा एजेंसी एजेंसी तो क्लियर हो गया ना एजेंसी रिलेशनशिप मतलब प्रिंसिपल जो है वो एक पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको अथॉरिटी दे रहा है कि आप मुझे रिप्रेजेंट करो थर्ड पार्टी के सामने ठीक है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जब ये चीज बोली जाए कि भाई मैं तुमको हायर कर रहा हूं तुमको मुझे रिप्रेजेंट करना है थर्ड पार्टी के सामने मैंने लिख के दे दिया मैंने बोल के दे दिया तो जब उस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो इस एजेंसी वाला तो होता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब बोल के आपको मैंने पूरे अधिकार दिए हैं कि मुझे रिप्रेजेंट करो एजेंसी बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट मैंने कुछ बोला नहीं है आपसे ना मैंने आपको लिख के बताया लेकिन जो मेरे एक्शंस हैं वो ये कन्वे कर रहे हैं कि आप मेरे एजेंट के तरह काम कर रहे हो हमारे बीच में एक एजेंसी रिलेशनशिप है मतलब मैंने आपको अथॉरिटी दे रखी है कि आप मुझे थर्ड पार्टी के सामने क्या करो करो रिप्रेजेंट टू टू बी बी इट इट इज इज फ्रॉम फ्रॉम द द द कंडीशन ऑफ केसेस ठीक है मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जो भी सिचुएशन है केसेस की उससे ये पता चलता है कि एजेंसी रिलेशनशिप आपका और एजेंट के बीच में है आप देखो यहाँ पे काफी चीजें हैं फर्स्ट इज एजेंसी बास्टोलिस में इंप्लाइड एग्रीमेंट क्या है बेसिकली ऐसी एग्रीमेंट जहां पे आप बोल नहीं रहे हैं ठीक है ना एक्सप्रेस कर रहे हैं रिटर्न या ओरल वर्न में बट जो आपकी एक्शन है जो आपकी जस्टर है वो चीज शो कर रहे हैं कि आपका एजेंसी रिलेशनशिप है Uh, दूसरी पार्टी के साथ ठीक है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिहाब पे एग्रीमेंट डीलिंग कर रही है वो आपका बिहेवियर शो कर रहा है बल्कि आपने उस पर्सन के साथ ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं करी है ओरल या रिटर्न तो पहला आता है एजेंसी बाय एस्टोपल इसमें मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल का जो बिहेवियर है जो एक्टिविटी है वो ऐसा बिलीव करने में मजबूर कर देती है थर्ड पार्टी को कि जो सामने वाला पर्सन है जो उसके बिहाब पर डीलिंग कर रहा है वो उसका ऑथोराइज एजेंट है मतलब कि उनके और प्रिंसिपल के बीच में एक ऑथोराइज एग्रीमेंट हुई हुई है कि वो उसको रिप्रेजेंट करेगा एजेंट के रूप में ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल है जॉन और मार्क है, एक फ्रेंड्स है कंपनी में काम करते हैं जॉन ने मार्क को क्या है परमिशन दे रखी है कि उसके बिहार पे वो डीलिंग वगैरह कर सकता है तो हमेशा लॉ कर देता है कि जाओ तुम मेरे यहाँ पे डीलिंग करो मेरे बिहार पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और ऐसा है कि सामने वाली पार्टी जो है वो ऑब्जर्व कर रही है उसको लगा कि जो मार्क है वो हमेशा जॉन के ब्याह पे चीजें कर रहा है हमेशा उसके बिहार पे मीटिंग अटेंड करता है डीलिंग करता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो उसका ऑथोराइज एजेंट होगा ये आपके जस्टर ने प्रिंसिपल के जस्टर ने मुझे बिलीव करने में मजबूर कर दिया तो मैंने आपके साथ जो आपके एजेंट है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ठीक है हमारे रिलेशनशिप uh, में आगे एंटर कर गए अभी एक कॉन्ट्रैक्ट में बट यहाँ पे क्या है एजेंसी बाय एस्टोपल एक बेसिकली एक प्रोटेक्ट भी करता है सामने वाली पार्टी को कि जो थर्ड पार्टी है जो एग्रीमेंट में आ गई ये बिलीव करके कि सामने वाला पार्टी आपका ऑथराइज एजेंट है कल को जो प्रिंसिपल है वो ये कह, ये भी कह सकता है कि हमारे बीच में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो हुई नहीं है ना मैंने उनको ये एजेंट एजेंट के रूप में ऐसा एक्सप्रेसली ये हमारी कोई एग्रीमेंट है कि हमने उनको एक्सेप्ट किया हो ऐसा तो कुछ नहीं है वो तो बस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए इससे थर्ड पार्टी को नुकसान होगा तो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंसी बाय एस्टोपल एक ऐसा क्रिएट uh, करती है पूरा सिनेरियो कि जो भी प्रिंसिपल है वो कभी भी डिनई नहीं कर सकता है अगर उसके एक्ट ने कॉज किया थर्ड पार्टी को ये बिलीव करने में कि सब जो पर्सन है जॉब की यहाँ पे डील कर रहा है वो आपका एजेंट है तो आप खर को ये मना नहीं कर सकते कि वो आपका ऑथराइज एजेंट नहीं है जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किए होंगे वो आपको एक्सेप्ट करने होंगे और उनको पूरा करना होगा ठीक है तो ये एजेंसी बाय स्टूपल नेक्स्ट इज एजेंसी बाय नेसेसिटी मतलब कि आउट ऑफ नेसेसिटी ऑफ ऑफ सिचुएशन आउट ऑफ सर्कम स्टांसेस ये इस तरीके की एजेंसी आती है जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सामने वाला पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की मदद करने के लिए हॉस्पिटल जाता है या फिर उसके बिहार पे मेडिकल डॉक्यूमेंट साइन करता है क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है बट आपने सामने वाले पर्सन से कहा नहीं था कि वो आपके यहाँ पे वो चीज़ें करें ना आपने उसको एजेंट बनाया ना आपने इसको एक्सप्रेस किया बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि सामने वाला पर्सन मजबूर हो गया कि वो आपके बिहाव पे चीजें करे आपके बिहार पे एजेंट की तरह वर्क करे तो ये होता है एजेंसी बाय नेसेसिटी इट मींस दैट द एजेंसी विच कम्स इनटू एक्जिस्टेंस वन सर्टेन सर्कमस्टांसिस कंपल्स पर्सन कंपल करता है मजबूर कर देता है पर्सन को कि वो एजेंट की तरह एक्ट करे दूसरे पर्सन के बिहाफ पे बिना एक्सप्रेस एजेंसी बाय होल्डिंग आउट क्या है कि यहां पर भी क्या है प्रिंसिपल है कंडक्ट है, है वो ऐसा है कि वो सामने वाली पार्टी को हमेशा अपने कामों के लिए अलाउ करता है कि उसके बिहार पे चीज करे ठीक है वो पर्सन हमेशा उसके बिहार पे काम कर रहा है और वो कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है कभी उसको मना नहीं कर रहा है कि मेरे पे चीजें ना करो तो मेरे एजेंट थोड़ी ना हो तो हमेशा वो परमिशन दे रहा है ठीक है तो मेरे पे डीलिंग करो तो मेरे बिहार पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो मेरे पे मुझे रिप्रेजेंट करो तो फिर वो क्या है एक एजेंट की तरह ही वो उसका जो पर्सन जिसको इतनी अथॉरिटी दे दी है हमेशा परमिशन दे रखी है अभी ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके एजेंट की तरह ही एक्ट कर रहा है तो इस तरीके की भी एजेंसी को हम क्या कहेंगे एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और प्रिंसिपल का जो बिहेवियर है वो ऐसा रिप्रेजेंट कर देता है कि जो एजेंसी रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और

सामने वाली पार्टी कर देती है दूसरी पार्टी के बिहाव पे बिना उसकी अथॉरिटी के बिना उसके मतलब परमिशन भी दी है ना बिना उसकी नॉलेज के लेकिन अगर बाद में वही पर्सन जिसके भी हाँ पे वो वो काम हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और कंफर्म कर देता है ठीक है तो उसे हम कहेंगे रेटिफाइड मान लो तो एजेंसी हुई बेसिकली क्योंकि वो किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं मान लो जॉन और मार्क है नेक्स्ट एग्जांपल है जॉन और मार्क है तो जॉन जो है वो मार्क ठीक है मार्क जो है वो हमेशा जॉन के बिहार पे काम कर रहे हैं तो जॉन जो है उसने मार को ये नहीं अथॉरिटी दी थी कि तुम तो मेरे भी आप पे फाइनेंशियल डीलिंग करना या कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साइन करना बट मान लो मार को लगा कि बहुत ही प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आई है उसने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साइन कर दिया जबकि उसको ना ही वो अथॉरिटी थी और ना ही सामने वाले पर्सन को ऐसी नॉलेज थी कि वो ऐसा करेगा बट जब सामने वाली पार्टी को जॉन को पता चला कि मार ने ऐसी एग्रीमेंट में साइन कर दिया जिसकी अथॉरिटी उसे नहीं थी बट जब उसने देखा कि बहुत ही प्रॉफिटेबल डील है उसने फिर कहा ठीक है कन्फर्म कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुमने जो एक्ट किया वो सही है प्रोफिटेबल है तो फिर उसके भी हाथ पे उसने काम किया तो कर तो दिया पता नहीं था ऑलरेडी हो चुका है और बाद में वो कंफर्म हो गया तो वो एजेंसी क्या कहलाएगी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन नेक्स्ट एंड लास्ट इज एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन सर्टेन सर्कमस्टांस द लॉ ट्रीट पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर पर्सन कभी कभी सर्टेन सर्कमस्टांसर में जो लॉ है जो कानून है वो ट्रीट करती है दूसरे पर्सन को कि वो तो दूसरे पर्सन का क्या है एजेंट है जैसे आपने देखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब पार्टनरशिप बनती है तो हर पार्टनर के बीच में क्या होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप हो जाता है ऑटोमेटिकली क्या है हर पर्सन जो है वो दूसरे पार्टनर का क्या होता है एजेंट होता है जब कंपनी फॉर्म होती है तब भी जो प्रमोटर है उनको एजेंट की तरह ट्रीट किया जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लॉ ट्रीट करता है कि प्रमोटर जो है वो कंपनी के क्या है एजेंट है एजेंट के बिहाफ पे कंपनी के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं काम करा रहे हैं पूरा वर्क कर रहे हैं ठीक है ठीके? या फिर पार्टनरशिप में भी हर पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या है एजेंट है एक दूसरे के बिहाफ पे क्या करता है एक्ट करता है वर्क करता है तो ये क्या है ऐसी एजेंसी जो लॉ के तहत बन जाती है तो ये हो गया आपका टाइप्स और मोड ऑफ एजेंसी जो आप कह सकते हैं एसेंशियल फीचर डिस्कस किए है और एजेंसी क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी क्या वो डिस्कस किया नेक्स्ट पार्ट में हम और चीज़ों को डिस्कवर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सो नेक्स्ट पार्ट so, जरूर देखेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उस पूरी प्ले को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे थैंक यू